हाँ, देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑटो की तरह है। हाँ, हाँ, इसमें आप देखोगे सबसे बेस्ट चीज एक गियर दिया हुआ है गाड़ी में। अच्छा, इसी में जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में गियर और क्लच अभी तक अपने को किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिला। ये डीजल ऑटो बनाती ही थी। हाँ, इसमें आपको दूसरे ऑटो की तुलना, इसमें हमारा रिवर्स कैमरा है। हाँ, सिस्टम फैन भी दिया है, फैन एक बेनिफिट। अभी तक आपने देखा था जो पेट्रोल में चलने वाली, डीजल में चलने वाली ऑटो थी, वैसे ही आपको आज आपको इलेक्ट्रिक में दिखाने वाले हैं। आप तो ई रिक्शा तो बहुत ही देखे होंगे, साथ ही आपको अभी तक छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है ये बैक्सी करके इलेक्ट्रिक ऑटो। आज मैं नीतेश भैया के माध्यम से पूरा एक एक दिखाएंगे इसमें क्या बेनिफिट है आपको इसमें, और रोजगार के साथ ही ये सबसे बेनिफिट तो ये है आपको बैक्सी का, जो अभी तक आपने पेट्रोल डीजल में चलते हुए देखा है। तो नीतेश भैया, इसमें ये पहले बताइए कि आपको ये एड्रेस बताइए जिसको लेना होगा हमारे आसपास वाले, जैसे कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर तक। ये एड्रेस है मेरा दुर्ग में पुलगांव चौक में जलाराम वाटिका के सामने। हाँ, हमारा ब्रांच ऑफिस है पावर हाउस में। हाँ, और राजनांदगांव में। अच्छा, और खैरागढ़ में। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी बताइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9907938368। अच्छा, और आपके एक आध और नंबर है? एक और नंबर मेरा आप लोग नोट कर लीजिए, 9754731999। अच्छा, ये एनी टाइम अवेलेबल है, ये आप लोग कभी भी ऑफिस आवर्स में इसको लगा सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है बैक्सी का प्रो ईवी करके, इसमें ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं? ये मार्केट में नया आया है, आप ये समझ सकते हो। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में L5 बोलते हैं। अच्छा, L5। लेवल 5 की गाड़ी है ये। हाँ, ये सेम जो ऑटो अभी मार्केट में मौजूद है। हाँ, ये उस लेवल का ऑटो है, उतनी ही मजबूती के साथ। हाँ, मतलब सेम वही मजबूती इस ऑटो में है। हाँ, मतलब बराबर 15-20 साल तक की इसकी बॉडी की लाइफ आप मान सकते हो। अच्छा, लिथियम आयन बैटरी के साथ ये उपलब्ध है, पूरी आधुनिकता के साथ। ये वाली जो चीज है, हाँ, ये किसी और ब्रांड में आपको मिलेगी ही नहीं है आज के डेट में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रांड में उपलब्ध है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रांड में उपलब्ध है। ये लगभग कितना किलोमीटर तक जाता होगा? ये 120 किलोमीटर का कंपनी का कमिटमेंट है। अच्छा, 120 किलोमीटर। हाँ, बाकी आप 80 से 100 किलोमीटर ये चलने की। अच्छा, अगर आप जो भी ले रहा है इसको आप नाइट में चार्ज कर लीजिए। हाँ, नाइट में 120 किलोमीटर तक 2-3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। आप लोग बीच में भी कभी खाना वाना खाने का टाइम मिले तो उस समय भी आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। फुल 50-60 की स्पीड में भगती है नॉर्मली। अच्छा, ई रिक्शा भगती है 25 के स्पीड में। अच्छा, मतलब ये जो नॉर्मल जो ले रहा है, ये जो डीजल पेट्रोल में चला रहे हैं, तो उनसे टक्कर रहेगी इस गाड़ियों की। ये जो लेगा इसकी टक्कर रहेगी डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों से। आपको मैं इसका सबसे कौन से क्या फीचर्स की बात कर रहे थे, जैसे कि इसमें क्या बेनिफिट है? इसका अगर आप इंटीरियर और चीजों को देखो तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑटो की तरह है। इसमें आप देखोगे सबसे बेस्ट चीज एक गियर दिया हुआ है गाड़ी में। अच्छा, इसी में जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में गियर और क्लच अभी तक अपने को किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिला होगा। तो ये आपको सेम वही फील देगा जो एक नॉर्मल डीजल इंजन चलाने में, जो ऑटो चलाने में जो कुछ फील आता है। सिर्फ ये इलेक्ट्रिक है, बेनिफिट यही है, ना बैठने वाले को ना चलाने वाले को, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो चला के आ रहा है करके। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर ये ऑटो स्टैंड में खड़ी होती है ना, तो पहले ये गाड़ी भरेगी, उसके बाद दूसरी गाड़ी भरेगी, क्योंकि ये फास्ट आपको पहुंचाएगी। हाँ, और एक तबका रहता है कस्टमर का जिसको शायद ई रिक्शा में बैठने में थोड़ा सा शर्म और हिचक लगती है। हाँ, वो इसमें बहुत आसानी से बैठेगा। अच्छा, तो इस गाड़ी का एक अपना एक महत्व है। और ये जैसे कि उसमें डीजल और पेट्रोल वाली कितना प्राइस में रहता है और ये इसमें क्या फर्क है? लगभग सेम प्राइस का रहता है। ये गाड़ी आपको पड़ेगा 3.5 लाख रुपए मात्र। 3.5 लाख। हाँ। अच्छा। एक औसतन वो गाड़ी भी उतने की पड़ती है। फाइनेंस हो पाएगा? ये फाइनेंस हो जाएगी। फाइनेंस हो जाएगी लगभग लगभग 270-280 इसमें फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, गाड़ी में फाइनेंस हो जाएगा, मतलब बेनिफिट है बिल्कुल सेम वैसी है पीछे। सेम वैसी, इसमें कुछ असेंबलिंग हम लोग अभी किए नहीं है। लिथियम आयन बैटरी के साथ है। हाँ। इसके बाद और कौन, जैसे कि ये आपको ई रिक्शा दिखाता हूँ। हाँ। इसको जैसे कि कोई लेना चाहे तो स्टार्टिंग में कितना देके इसको करा सकते हैं? इसको कम से कम 70,000 रुपए का डाउन पेमेंट। 70,000 का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ना? ठीक। ये है हमारा ई रिक्शा बैक्सी, एक पुरानी कंपनी है, ऑलरेडी डीजल इंजन का ऑटो बनाती ही थी। हमारा ई रिक्शा भी मार्केट में काफी दिनों से मौजूद है। काफी अच्छी इसकी बॉडी है दूसरे ई रिक्शा के मुकाबले। अरे, पुरानी कंपनी होने के नाते क्या है, एक ट्रस्ट इशू भी नहीं आता हमारी कंपनी के साथ, कि लोगों को गाड़ी खरीदने के बाद किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं जाएगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं करके। बैक्सी ऑलरेडी डीजल ऑटो बनाती ही थी। इसमें आपको दूसरे ऑटो की तुलना, इसमें हमारा रिवर्स कैमरा है। हाँ,
रिवर्स कैमरा हमारी गाड़ी में मौजूद है, म्यूजिक सिस्टम है, अच्छा म्यूजिक सिस्टम, फैन भी दिया, फैन एक बेनिफिट है। ये सारे चीजें दी हुई है, गाड़ी दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा बनाया गया है, लुक वाइज भी बेटर, लुक वाइज भी अच्छा बनाया गया है। जिप्पी प्लस बोला जाता है हमारी गाड़ी को, जिप्पी प्लस। ये कितना किलोमीटर तय करता है? ये भी सेम 120 किलोमीटर कंपनी का कमिटमेंट है, 100 के आसपास चलेगा, चार बैटरी के साथ आता है। 25 ये 25 के स्पीड के, 25-30 के स्पीड में ये गाड़ी चलती है। अच्छा, इसका क्या प्राइस होगा आपका? ये है मात्र 1,65,000। 1,65,000। और कितना फाइनेंस हो पाएगा इसमें? लगभग 1,40 के आसपास फाइनेंस होगा। डाउन पेमेंट में लगभग 15-20,000 और गाड़ी लेके जाओ। अच्छा, इसमें कलर ऑप्शन है ना? चार कलर अवेलेबल, पांच कलर अवेलेबल है। हाँ। व्हाइट है, ब्लू है, वर्दी ग्रीन है, ऑरेंज है और एक रेड कलर और है। अच्छा, रेड कलर भी है? रेड कलर भी है। देख सकते हैं आपको पीछे का भी, मैं आपको लुक दिखा देता हूँ। पीछे लुक वाइज ऐसा दिखता है। और कुछ कहना चाहेंगे नितेश भैया? हमारे पास आइए, मात्र 15-20,000 रुपए के छोटे से डाउन पेमेंट दे के अपने आप को रोजगार दीजिए। हाँ। और गाड़ी यहाँ से लेके जाइए, सबसे अच्छा सर्विस सेंटर के साथ हम लोग आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। अभी तक दुर्ग में और कोई है नहीं? दुर्ग क्या, मैं तो बोलूँगा पूरे छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक ई रिक्शा का शोरूम और इतने बड़े सर्विस सेंटर के साथ किसी का भी उपलब्ध नहीं है। ओके, धन्यवाद। मैं आपको एक बार और फिर से एड्रेस बता देता हूँ, जैसे कि आपको आएंगे दुर्ग से, अगर आपको आ रहे हैं रेलवे स्टेशन होते हुए, तो सामने है पुलगांव नाला है और इधर भी पुलगांव चौक बोलते हैं, इधर सामने से अगर कोई इधर से आ रहा है तो बैक्सी करके है, बैक्सी इलेक्ट्रिक ऑटो इको सोल एनर्जी करके है, नंबर आपको दिया हुआ है, आप उसमें शो करके आपको